हेलो, आज हम समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर हो गया था, रिफ्रैक्शन हो गया था। प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं। प्लेन मिरर एक्चुअली में होता क्या है? इसमें रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर मतलब इसके बारे में कुछ बता दे पहले। प्लेन मिरर जिसका राइट साइड कलर होता है एकदम स्ट्रेट होता है, और इसके फोकस पे बात कर लें और रेडियस पे बात कर लें, इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और पावर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/फोकस, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी यानी ये कितना आ जाएगा? इसका पावर 0 होता है। फोकस इन्फिनिटी, रेडियस इन्फिनिटी क्यों होती है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, बड़े प्यार से समझिएगा इसको। देखिए कैसे, देखो, अगर हम किसी सर्कल, किसी क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर अपने आप में कुछ है थोड़ी ना। प्लेन मिरर स्फेयर का ही एक पार्ट है। देखो कैसे, ये एक बड़ा सा स्फेयर है, ठीक, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कब बनेगा? जब काट देंगे। अच्छा ये बताओ, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक, एकदम इरेज करते हैं। देखो ये छोटा सा डॉट, ये छोटा सा एक हल्का सा लाइन रह गया, तो इसको देख के क्या तुम इस स्पॉट से बता सकते हो कि ये स्फेयर रहा होगा? नहीं बता सकते हो। ये जो डॉट है, ये जो डॉट कह रहे हैं, थोड़ी सी एक लाइन है, इस लाइन से तुम बता सकते हो क्या कि ये स्फेयर रहा होगा? नहीं रहा होगा ना, हो ही नहीं सकता है। तुम बता दो कि स्फेयर रहा होगा। तो ये बताओ, जब हम इतने बड़े से इतना बड़ा स्फेयर खींच दिए मिटा इरेज करके, तो ये तो इतना बड़ा प्लेन मिरर है, तो पता नहीं कितना बड़ा स्फेयर बनेगा, कितने दूर तक जाएगा, कितना फोकस होगा। इसलिए इसकी फोकस इन्फिनिटी होती है, रेडियस इन्फिनिटी होती है, और पावर होता है 1/f। तो 1/इन्फिनिटी यानी पावर आ गया 0 इसका, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना बाउंस बैक प्रॉपर्टी से होता है। तो रिफ्लेक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन कैसे होता है? किसी भी प्लेन मिरर को हम ले लें, ये रहा प्लेन मिरर हमारा, इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई लाइट आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सॉरी ये इंसिडेंट रे हो गया, और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, सेम मीडियम में ही। ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो है मीडियम चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि नीचे पॉलिश है, ठीक है। तो ये रहा बाउंस बैक ऑफ लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसी फिनोमिनन की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है। लाइट से नहीं देखते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन से देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाउंस बैक इन ए मीडियम, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए, सॉरी हमने गलत बना दिया, एक नॉर्मल लाइन होती है, उससे जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने और ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर 40 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है रे, तो 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देख लेते हैं प्लेन मिरर की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये दो तीन प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे घुमा दे, मतलब थीटा एंगल पे प्लेन मिरर को मोल्ड कर दे, तो हमारा जो इमेज होगा ना, वो 2 थीटा पे बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम इमेज को थीटा डिग्री मोल्ड कर दें, इस तरह से थीटा डिग्री क्या करे, मोल्ड कर दे, ये एंगल जो मोल्ड कर दिया हमने थीटा डिग्री, तो जो इस कंडीशन में इमेज फॉर्म होगा वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। इसका बस यूज होता है क्वेश्चन लगाते समय। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है,
किसी प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है और फिर प्लेन मिरर को हम अगर 40 डिग्री घुमा देते हैं तो इमेज इमेज जो होगा वो 2 थीटा यानी 2 × 40 डिग्री घूम जाएगा, 80 डिग्री घूम जाएगा, ऐसे ही ठीक है, 80 डिग्री घूम जाता है। किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं और प्लेन मिरर को अगर 40 डिग्री घुमाते हैं तो इमेज घूमता है 80 डिग्री, 30 डिग्री घूमेगा अगर तो इमेज घूम जाएगा 60 डिग्री, प्लेन मिरर अगर 80 डिग्री घूमेगा तो इमेज घूम जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है, कहता है कि मान लीजिए अगर किसी कोई प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से आ रहा है, वी स्पीड से आ रहा है, तो जो इमेज की स्पीड लगेगी वो जस्ट उसकी डबल लगेगी, इमेज की स्पीड जो लगेगी वो जस्ट उसकी डबल लगेगी। कैसे? देखिए अगर मान लीजिए कोई प्लेन मिरर की तरफ ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम वी वेलोसिटी से आ रहे हैं तो हमारी इमेज जो बनेगी वो 2V वेलोसिटी से बनेगी। अगर मान लीजिए हम हमारी स्पीड है मिरर के सामने 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये इमेज में लगेगी हमारी स्पीड 2 × 50 मीटर पर सेकेंड यानी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम इमेज लगेगा कि इमेज में हम दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, हम जो होता है स्पीड कितनी लेके चलते हैं, अगर 40 लेके चलते हैं तो 80 के स्पीड से लगेगा, 100 से चलते हैं तो 200 के स्पीड से लगेगा, ठीक है। ऐसा जिम वगैरह में थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, लगता है कि हाँ जो शीशे लगे हुए हम दौड़ते हैं तो लगता है हमसे तेज स्पीड से वो दौड़ रहा है, यानी कितना तेज स्पीड से दौड़ रहा होगा, 2V से, ठीक है, V है अगर तो 2V स्पीड से वो दौड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक। ये रहा आपका तीसरा। और चौथा होता है कि अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस पे, मान लो एक्स मीटर डिस्टेंस पे है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्स मीटर पीछे की तरफ बन जाएगा। जितना डिस्टेंस आगे रखेंगे प्लेन मिरर के, मेरी बात ध्यान से समझना, जितना भी डिस्टेंस आगे रखोगे, मान लो यहाँ रखते हो, मान लो इधर रखते हो एक्स मीटर डिस्टेंस पे, तो इधर भी एक्स मीटर डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे, अगर 10 मीटर सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज 10 मीटर पीछे बनेगी, 10 मीटर पे बनेगी इसकी इमेज भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 10 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो 10 मीटर पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैंने सब आज प्लेन मिरर भी बता दिया, क्योंकि स्फेरिकल मिरर ही बताए थे, आज प्लेन मिरर भी बता दिया। हाँ एक चीज और, अगर अगर हमें पूरी बॉडी देखना है प्लेन मिरर में, ठीक है, अगर हमें पूरी बॉडी को अगर देखना है प्लेन मिरर में, तो हमें अपनी लंबाई मतलब अपनी लेंथ के हाफ लंबाई का प्लेन मिरर रखना होगा। अगर हमको पूरी बॉडी देखना है शरीर को प्लेन मिरर में, तो अपनी जितनी भी लेंथ होगी ना, जितना भी लेंथ होगा उसका हाफ लंबाई का प्लेन मिरर रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमको अपना पूरा बॉडी देखना है। तो यानी अगर 40 फिट देखना है तो हमको 20 फिट का क्या रखना पड़ेगा, 40 फिट की बॉडी देखनी है तो हमको अपने 20 फिट का मिरर रखना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी हाँ इमेज का नंबर भी पूछ लेता है। तो मान लीजिए अगर पूछ देता है, जैसे मान लीजिए आप बाल कटवाने जाते हैं तो सैलून में अगर जो इन फ्रंट में मिरर्स रखे होते हैं, तो अगर दोनों मिरर्स का जो एक दूसरे से झुकाव अगर दे दिया होगा, अगर एंगल दे दिया होगा, मान लीजिए कहता है कि दोनों फ्रंट मिरर का झुकाव है 60 डिग्री, ठीक, तो कितने इमेज बनने के चांस हैं सैलून में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 360 में जो भी थीटा एंगल जितना झुकाव दिया उससे डिवाइड कर दिया करो, यानी कितना आ जाएगा, 6 आया। और जब भी इवन आएगा, मान लो ये इवन आ गया, इवन में से एक घटा दो, इवन आया ना, इवन में से एक घटा दो, हमेशा इवन में से एक घटा देंगे तो 5 इमेज हमको उसके दिखाई देंगे, 5 इमेज ऑफ नंबर। जब भी इवन आएगा तब,
जैसे 60 से 360 को डिवाइड किए तो 6 आया, 6 में से एक घटा दो, 5, 5 हमको इमेजेस दिखाई देंगे। अगर मान लो इवन नहीं ऑड ले लेते हैं, जैसे 360 अपॉन हम ले लें, कितना ले लें जी, कोई ऑड नंबर, ऐसा डिवाइड करने पे जो ऑड नंबर आए तो कितना होगा, 40 डिग्री ले लें, तो 40 डिग्री से डिवाइड करने पे ये इवन आएगा, ऑड आएगा, सॉरी 9 आया, 9 आया ना, तो अब 9 ही इमेज दिखाई देगी। जब भी इवन आएगा, इवन के केस में एक घटा देंगे। और अगर मान लो दोनों से झुकाव, मान लो सैलून के दोनों शीशे के बीच में झुकाव अगर 40 डिग्री है, तो 40 से 360 को भाग देंगे तो 9 डिग्री आएगा, 9 9 आएगा, तो 9 का मतलब ऑड हो गया ना, तो ऑड में वही पोजीशन है, मतलब ऑड में वो उतना ही इमेज बनेंगे। लेकिन अगर इवन इमेज आता है तो उसमें से एक घटा दिया करो, 5 इमेज बनेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्लेन मिरर के बारे में।